हांसी डिवीजन में बिजली डिफाल्टरों को रियायत देने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई ब्याज माफी योजना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए DHBVN के अधिकारियों ने स्थानीय पंचायती रामलीला ग्राउंड में सम्मेलन किया। इस दौरान निगम के निर्देशक SK बंसल ने ग्रामीणों और शहर से आए सैकड़ों लोगों को सरकार की बिल माफी योजना के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हांसी डिवीजन पर 700 करोड़ रुपए का बिजली का बिल बकाया है। उन्होंने कहा कि डिफाल्टर बिजली उपभोक्ता इस योजना का लाभ लेते हुए महज कुछ हजार की राशि में अपने बिलों का भुगतान कर डिफाल्टर की सूची से बाहर आ सकते हैं। SK बंसल ने बताया कि नारनौंद के खांडाखेड़ी गांव में 90 करोड़ रुपए बकाया है, लेकिन बिजली निगम के अधिकारी लगातार लोगों तक योजना का लाभ पहुँचाने के लिए डोर टू डोर अभियान चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर तक डिफाल्टर बिजली उपभोक्ता इस योजना का लाभ ले सकते हैं। स्कीम लाई गई है तो इस स्कीम का एक प्रचार, क्योंकि इस स्कीम से खास करके हमारे इन इलाकों को ज़्यादा फायदा होने वाला है, तो इनमें हमारा यही मकसद है भी हर आदमी को कम से कम स्कीम का पता हो, उस तक स्कीम पता लगे उसको भी स्कीम को। उस डिवीजन में कितना बकाया है? 685 करोड़ रुपया हमारा इस डिवीज़न का बकाया है। टोटल 62,000 के करीब हमारे कंज्यूमर है जिनका बिल बकाया है। ये कब तक है? ये 31 दिसंबर तक। उसके बाद का कोई फायदा नहीं है ना सर? इसमें अब क्या ऐसा करेंगे? इसके लिए तो स्कीम ले आई गवर्नमेंट, ठीक है। दूसरा ये है भी प्रचार में ये है भी सरपंच से भी रिक्वेस्ट करी हम अपने सारे स्टाफ मेंबर को, जैसे हमारे पास समझो 200 आदमी है, 62,000 कंज्यूमर है डिफाल्टर, उनको लिस्ट दे देंगे हम। दे दी है हमने लिस्ट, उनको पर्टिकुलर हर गांव में ड्यूटी लगा दी भी, ये 100 बंदों पे तूने जाना है, उनको समझाना है। उनको लिस्ट में ये दे दिया भी तेरी तरफ बकाया 10 लाख है और तुझे अगर स्कीम अपनाएगा तो तुझे समझे 10,000 रुपया बनना है। दो चीज़ें उसको बताएगा उस फायदा उसका, स्कीम कोई मीटर बदलने वाला है, उसका मीटर लगने वाला है, उसमें हेल्प करेगा वो। हमने अपने स्टाफ को सख्त हिदायतें दे दी है। इसकी स्कीम कब से शुरू हुई थी? किस तारीख से?